राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मंगलवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है उसे कहते हैं भूम प्रदोष। ये आपके मंगल ग्रह को बहुत मजबूत करता है। जमीन जायदाद से संबंधित सुख जो है ना, इससे हमें प्राप्त होते हैं। जीवन में किसी कारणवश अगर ऋण चल रहा है, किसी से कर्जा बहुत ले रखा है और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो चुकता हो जाए, तो आप इस व्रत को ज़रूर कीजिएगा। ये है समीप वृक्ष, उस पर पता नहीं मिट्टी इकट्ठी हो गई है, ये क्या होता है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बस मैं यहाँ पर पूजा के लिए तोड़ने आई थी समी पत्री, तो घर में इस तरह का पेड़ आप ज़रूर लगा के रखें ताकि भगवान शिव की सेवा में कोई कमी ना रह जाए। चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ भूम प्रदोष में आपको किस तरह से पूजा करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रदोष काल के व्रत में जो है ना, प्रदोष काल के समय ही पूजा की जाती है। प्रदोष के व्रत में तो शाम के समय जो है ना प्रदोष काल होता है, दिन भर आपको व्रत करना होता है। व्रत में अन्य खाना निषेध होता है, नमक आप नहीं खा सकते, आपको फलाहार करना होता है। तो फलाहार में मखाने वगैरह आप खा सकते हैं, फल जैसा आहार आपको खाना होता है तो आप अपने हिसाब से अपने शरीर के अकॉर्डिंग देख लें जितना आपके अंदर सामर्थ्य है। सबसे पहले क्या करना है, चौकी आप पटा ले लीजिए। आप इस पूजा को अपने मंदिर में भी कर सकते हैं बिल्कुल साधारण तरीके से। यहाँ पर शिव पार्वती की मेरे पास तस्वीर थी तो मैंने इस पूजा में तस्वीर रख ली है और यहाँ पर घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है। दोस्त व्रत में आप चाहें तो मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल सरल तरीका बताऊंगी। तो मेरे घर में नर्मदेश्वर है तो उनकी पूजा करके मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। आप चाहें तो मिट्टी के शिवलिंग भी जो है ना बना सकते हैं। एक मैंने कांसे की थाली ली है, इसमें आप चाहें तो ओम लिख लीजिए, आप चाहें तो नमः शिवाय लिख सकते हैं, आप चाहें तो केवल स्वास्तिक भी जो है ना बना सकते हैं, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चंदन से जो है ना मैंने यहाँ पर ओम बनाए हैं। इसके बाद आपको गौरी गणेश का स्थान देना है। प्रदोष के व्रत में गौरी गणेश की पूजा करना बहुत अनिवार्य होता है। तो इस तरह से अगर आपके पास गौरी गणेश की मूर्ति है तो आप मूर्ति भी रख सकते हैं। अगर गौरी गणेश की मूर्ति नहीं है तो सिपाड़ी के रूप में आप गौरी गणेश इस तरह से बनाकर उनकी पूजा जो है ना कर सकते हैं। आप चाहें तो मिट्टी के भी बना सकते हैं, तो अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा, जो आपको सही लगे उस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, जो कांसे की थाली हमने ली थी इसको जो है ना हम इसी पटे पर रख देंगे और इसमें चावलों का आसन देकर भगवान शिव को जो है ना इसी में हम विराजमान करेंगे। थाली में इसलिए विराजमान कर रहे हैं क्योंकि जब भी हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो शिवलिंग पर अभिषेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने अपने घर के मंदिर में जो शिवलिंग विराजमान है यानी नर्मदेश्वर विराजमान है उनको यहाँ पर प्लेट में मैंने इस तरह से विराजमान कर दिया है। अपने हाथ में थोड़े से चावल लेकर मैं पूरे शिव परिवार का मन में ध्यान करूँगी। ध्यान करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आपको गौरी गणेश का पूजन करना है। तो रोली चावल लगाकर पुष्प में इस तरह से सिंपल सादा तरीका आपको बता रही हूँ, गौरी गणेश का पूजन कर दीजिए। भूम प्रदोष का अगर आप व्रत करते हैं, भूम प्रदोष के दिन अगर शाम के समय यानी प्रदोष काल में अगर आप पूजा करते हैं तो आपका जो आपके ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है, मतलब अगर आपने किसी से कर्ज लिया है, आप कर्ज में डूबे हुए हो, अगर आपका कोई व्यापार है और बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ है, कोई दुकान है तो वो भी बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबी हुई है, तो आप इस व्रत को कीजिए, आप इस पूजा को कीजिए, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी। जब भी भूम प्रदोष पड़ता है आप व्रत कीजिए और इस तरह से शाम के समय पूजा कीजिए। अगर आप किराए के घर में रहते हैं और चाहते हो कि आपका अपना खुद का घर हो, जमीन जायदाद जो है ना आपके पास हो और जमीन जायदाद से संबंधित सुख अगर आप अपने जीवन में चाहते हो तो भूम प्रदोष का व्रत कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा क्योंकि ये आपके मंगल ग्रह को जो है ना मजबूत जो है ना बनाता है। मंगल ग्रह आपको जमीन जायदाद और घर संबंधी सुख जो है ना प्रदान करता है। कर्ज है तो कर्ज से आपको मुक्ति दिलाता है। और एक उपाय आपको इस वीडियो में और बता रही हूँ, अगर आपके जीवन में इस तरह की समस्याएं, आपके पास खुद का घर नहीं है या फिर आप बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे हो तो इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा। जब भी भूम प्रदोष पड़े तो ऐसा आपको बरगद का वृक्ष जो है ना ढूंढना है, जहाँ पर बरगद की नीचे जो है ना शिवलिंग
बने हुए हैं, काफ़ी जगह लोग बनाकर रखते हैं, तो उस शिवलिंग पर जाकर जो है ना आपको पूजा करनी है। इससे जो है ना आपकी ये समस्या जो भी आपके जीवन में चल रही है वो समस्या से आपको जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना निजात मिलती है। आप चाहे तो इस तरह से भी जो है ना व्रत करके पूजा कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आप चाहें तो घर में कर लीजिए, आप चाहें तो अगर बरगद का पेड़ अगर मिल जाए तो वहाँ पर कीजिए, तो ये और ज़्यादा जो है ना लाभकारी होती है। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, साथ के साथ आपके साथ पूजा विधि भी शेयर कर रही हूं। मैंने यहां पर जनेऊ चढ़ा दिया है, कलावर रूपी वस्त्र अर्पित कर दिया है, साथ के साथ जो है ना तस्वीर की भी आपको इसी तरह से पूजा करनी है। प्रदोष के व्रत में अन्न और नमक से बनी हुई चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, तो आपको दिन भर व्रत करना है। जब आप शाम के समय पूजा कर लें उसके बाद भी आपको फलाहार ही करना होता है, पूजा के बाद भी आप अन्न नहीं खा सकते हैं। दूसरे दिन इस व्रत को पूरा करके फिर आज जो है ना आप अन्न खा सकते हैं, तो पूरे दिन जो है ना आपको व्रत करना है। और आज मेरे पूजा में बेलपत्र मेरे पास नहीं थे, तो केवल समी पत्री जो है ना मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है, इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि घर में बेलपत्र या समी वृक्ष आप ज़रूर लगाएं ताकि भगवान शिव की पूजा में कोई कमी ना रह जाए। तो मैंने समी का वृक्ष अपने घर में लगा कर रखा हुआ है ताकि जब भी मैं पूजा करूं तो कम से कम समी वृक्ष, तो समी के पत्ते जो है ना भगवान पर ज़रूर अर्पित करूं। कहते हैं जितने 1000 बेलपत्र चढ़ाने से जो फल प्राप्त हो जाता होता है, वो केवल एक समी पत्री चढ़ाने से जो है ना हमें फल जो है ना प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आपको प्रदोष के व्रत की जो है ना कथा पढ़नी है, तो अपने हाथ में एक बेलपत्र रखें, थोड़े से चावल रख लें, 11-21 रुपए रख कर जो है ना पूरी आपको कथा पढ़नी है। और कथा पढ़ने के बाद जो भी कुछ आपने हाथ में लिया है सब कुछ भगवान शिव पर जो है ना समर्पित कर देना है, और जो आपने दक्षिणा ली है वो जाकर किसी ब्राह्मण को या मंदिर में जाकर जो है ना दान करनी है। इसके बाद करनी है आपको आरती। आरती कर लें, आरती करने के बाद जल का अर्घ दे दें। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। प्रदोष का व्रत आप ज़रूर कीजिए, आप सबके लिए लाभकारी रहेगा। राधे राधे।